नमस्ते दर्शकों, मैं सब्यसाची एक्स्ट्रा टाइम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे टीम से इंडिया का भिड़ंत है जो टीम 5 मैच हार चुकी है, जिस टीम के ड्रेसिंग रूम में काफ़ी सारे बातें चल रही है, प्लेयर्स डिवाइड है। इस मैच के प्रेडिक्शन के लिए हमारे साथ है पिछले मैचों जैसे लक्ष्मी रतन शुक्ला। लक्ष्मी भैया के पास जाएंगे और जानना चाहेंगे इस मैच के लिए उनका क्या विचार है और इंडिया पाकिस्तान को हराई बुरी तौर से। पाकिस्तान के मैच में भी लक्ष्मी भैया का प्रेडिक्शन था इंडिया जीतेगी, तो पहले पाकिस्तान के मैच से शुरू करते। लक्ष्मी भैया, इंडिया पाकिस्तान मैच 16 जुलाई का मैनचेस्टर में हुआ था और आपने कहा था हमारे प्रीव्यू शो में ये मैच इंडिया जीतेगी और इंडिया ही जीतेगी, प्रेडिक्शन साबित हुआ और क्या कहना चाहेंगे इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में पाकिस्तान? नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है हिंदुस्तान हमारा और सब बड़े दिल से खेल रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तानी हमेशा हम सब जो भी करते हैं बड़ा मन लगा के करते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक एक पायदान हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जीत हमेशा बहुत स्पेशल रहता है हमारे लिए और ये भी जीत बहुत स्पेशल था, खास करके हम लोग जिस तरह से हमारा पूरा अप्रोच है टूवर्ड्स दिस वर्ल्ड कप, हमको लगता है वो बहुत बेहतरीन है। प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन है, प्लेयर बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हैं और ओवरऑल अगर आप टीम का अगर बैलेंस देखेंगे तो बेहतरीन बैलेंस है। देखिए, हम आप पहले ही बताए थे कि ये धोनी का टीम है जो कंटिन्यू खेले जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर। रवि शास्त्री ने बड़ा अच्छा टीम को मनोबल बढ़ाया है, उनके सहन शक्ति बढ़ाई है, धैर्य बढ़ाया है, तो ओवरऑल बड़ा अच्छा चल रहा है। और आज का जो मैच है वो मैच अफगानिस्तान के साथ है। देखिए, अफगानिस्तान 5 मैच हारा है वो बड़ी बात नहीं है, अफगानिस्तान जिस परिस्थिति में वर्ल्ड कप खेल रहा है, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी आप वहाँ के लड़के आईपीएल के लिए खेल रहे हैं, बिग बैश में खेल रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में T20 खेल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जज्बा है और यही जज्बा हमको लगता है ये एक बहुत ये सीखने का है कि एक आदमी कितना तकलीफ के होने के बावजूद भी अपने कंट्री को जब रिप्रेजेंट करता है। और अफगानिस्तान, देखिए क्रिकेट में कब क्या हो कुछ बोलना बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि इंडिया को अपना फोकस बरकरार रखना चाहिए। अफगानिस्तान हम बहुत वीक टीम नहीं बोलेंगे, उनके बॉलर है रशीद है, बहुत सारे अच्छे नबी है, नबी है फास्ट बॉलर है, गुलाम है, जुनैद है जो अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ओवरऑल टीम उनका अच्छा है, लेकिन इंडिया से आप कंपेयर मत करने चाहिए। और आपको याद रखना पड़ेगा कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लक्ष्मी बता रहे क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। साउदम्पटन के इसी मैदान में दक्षिण अफ्रीका को हरा के इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का अभियान शुरू किया था। भैया, आप बता रहे क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या आपको लगता है सही में अफगानिस्तान का टीम का जैसे मोरल है अभी कुछ कर पाएगी या इंडिया को इस मैच को रन रेट बढ़ा के एकदम बुलडोजर चलाने की जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिकेट में कभी भी आप कुछ चाह के नहीं कर सकते हैं, आप एक ही चीज़ चाह सकते हैं कि आप मन लगा के खेल सके, मन लगा के अपना काम कर सके। और हमको लगता है कि आज दो एक चेंज अगर टीम इंडिया करे तो हमको बड़ा खुशी होगा, क्योंकि रिजर्व बेंच को आप यही एक मौका है जब आप अपने रिजर्व बेंच को कॉन्फिडेंस देना चाहेंगे और कौन अच्छा खेल रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। हमने देखा कि शिखर धवन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, आपका भुवनेश कुमार इंजर्ड हो गए हैं, सो केएल राहुल ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है केएल राहुल और रोहित शर्मा का, लास्ट में हम लोग देखे थे दो तीन बार रन आउट होते होते बच गए, तो ये मैच में हम और बेहतर देखेंगे और हम ऋषभ पंत को अगर ट्राई किया जा सके, आज शमी खेलेंगे ज़रूर, तो ये जो चेंजेस हमको लगता है ये भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप सबको मैच में रखें। हालांकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अफगानिस्तान के साथ आज आपको टीम में थोड़ा सा फेरबदल आप करना चाहे तो कर सकते हैं। बुधवार को इंडिया टीम की जो प्रैक्टिस थी साउदम्पटन में, प्रैक्टिस के दौरान जसप्रीत बुमराह की एक यॉर्कर में चोट पाए थे विजय शंकर, कल उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया था वो खेलने के लिए तैयार है। आपको लगता है, आपने जैसे कुछ देर पहले बताया, आपको लगता है विजय शंकर के बदले में इस मैच में ऋषभ पंत का डेब्यू हो सकता है या विजय शंकर को ही ट्राई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ लगता है कि अगर विजय शंकर के बारे में टीम इंडिया सोच रहा है
तो उनको रेस्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को, उनको और भी बहुत साबित करना है, अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में बड़ा और भी बहुत अच्छा करें। विजय शंकर अगर टीम इंडिया के सोच में है इस वर्ल्ड कप एंड तक, तो उनको रेस्ट नहीं दिया जाएगा। और अब देखना है कि ऋषभ पंत अगर आते हैं तो किसके जगह में आते हैं, कैसे आते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इस मैच में विराट कोहली भी एक रिकॉर्ड के सामने खड़े हैं, जो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर दोनों महान बल्लेबाज का रिकॉर्ड वो तोड़ने जा रहे हैं। दोनों ने 20,000 रन बनाए थे और विराट ने सबसे क्विक ये 20,000 रन बनाए के पायदान में खड़े हैं। आपको लगता है विराट कोहली 104 रन अगर इस मैच में बना लिए तो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे 20,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे जल्दी? देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब चाहते हैं कि रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। और विराट कोहली जिस तरह जब से आए हैं, जिस तरह से तूफानी पारियां खेलते रह रहे धैर्य के साथ, ये हमको लगता है बहुत बड़ी सीख है यंगस्टरों के लिए जो आने वाले समय में अपने स्टेट के लिए खेलना चाहते हैं, अपने इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर, इनका कितना बड़ा नाम है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके नाम के साथ अगर विराट कोहली का भी नाम अगर जुड़ता है तो इससे ज़्यादा खुशी हम भारतीयों को, इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा लक्ष्मी भैया, इंडिया टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, रिजर्व भी इतना स्ट्रांग है, लेकिन चोट के बावजूद टीम परफॉर्मेंस कर रही है। एक टीम को बनाने के लिए चोट तो लग ही सकता है, लेकिन कितना बड़ा मोरल ये साइन है इंडिया के लिए? देखिए, चोट के बाद भी इंडिया टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। देखिए, प्रिपरेशन बड़ा अच्छा है हिंदुस्तान का। विराट और रवि शास्त्री ने पहले ही बोला था, आज से 3-4 महीने पहले IPL के पहले, कि हमारा इंडियन टीम वर्ल्ड कप के लिए सेट है, एक या दो जन हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज IPL का परफॉर्मेंस देख के वर्ल्ड कप नहीं बनेगा। तो देखिए, सब रेडी हैं, सब तैयार हैं। और जब आप 16 जन की जब आप टीम लेके जाते हैं तो आप सबके ऊपर आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहता है और आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो हमको लगता है कि शिखर गए, राहुल आए, राहुल ने अच्छा खेला है, तो किसी को इंजरी ना हो, हम सब चाहते हैं सब फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और हिंदुस्तान को फिर से एक बार वर्ल्ड कप लेके आके दे। भैया ने कुछ देर पहले बताया थे मैच में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इस मैच में इंडिया टीम के अगेंस्ट में ऐसे प्लेयर खेलेंगे जिसका नाम है राशिद खान, वो काफ़ी जाने माने क्रिकेटर है, लेकिन पिछला मैच उनका अच्छा नहीं गया था, इंग्लैंड के खिलाफ 9 ओवर में 110 रन दिया था राशिद ने। भैया, राशिद खान कितना बड़ा फैक्टर है और क्या सही में फैक्टर है इंडियन टीम जैसे टीम के? नहीं, जरूर, राशिद खान ने अभी IPL खेला है, बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, नवीब भी हैं, तो विराट कोहली को तो लेग स्पिनर में थोड़ा सा हम देखे हैं कि राशिद ने आउट भी किया है। और देखिए, हम आपको फिर बता रहे, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, कब कौन ऊपर जाए कब कौन नीचे आए ये प्रेडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। हम सिर्फ यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी टीम अच्छे से खेले और दूसरे को हल्के में ना ले, और हल्के में कभी लेते भी नहीं हमारी टीम। जिस टीम में धोनी और विराट है वो टीम कभी भी हल्के से किसी भी ओपोनेंट को नहीं ले सकते। बस आने वाला समय हमारे लिए पॉजिटिव लेके आए, हम हर मैच जीते और जो भी हिंदुस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में खेले सब अच्छा परफॉर्मेंस करें, यही हम सब चाहते हैं। आपका मैच प्रेडिक्शन? देखिए, मेरा मैच प्रेडिक्शन हमेशा भारत के लिए रहता है और हिंदुस्तान जीतेगा, बहुत अच्छे तरीके से जीतेगा, और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जितने प्लेयर हैं सब अच्छे से परफॉर्मेंस करें। भैया, एक आखिरी सवाल आपसे इस बातचीत के दौरान, इंडिया टीम नहीं, ये दूसरे प्लेयर है जो आपके साथ खेले IPL में, शकीब अल हसन ऐसे पारी खेल रहे इस वर्ल्ड कप में अभी तक, क्या लगता है बांग्लादेश कितना दूर तक जा सकते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई है लेकिन मुशफिकुर ने अच्छा सेंचुरी मारी थी, और कितना चांसेस देखते हो आप बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश को देख के बहुत गर्व होता है और जिस तरह से बांग्लादेश परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं इस वर्ल्ड कप के पहले भी एक चीज़ बोला था कि बांग्लादेश अच्छा करेगी। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के बारे में भी हमारा ऐसा ही सोच था, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर लोग कभी भी अपने जर्सी में उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। आप रसल ले लो, गेल ले लो, ये IPL में ये लोग बसते हैं, लेकिन जब देश के लिए इनका कमिटमेंट आता है तब इनका कमिटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला पड़ जाता है। देखिए, बांग्लादेश बहुत गर्व कर रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि बांग्लादेशी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करे, और हम दिल से चाहते हैं कि बांग्लादेश क्वालिफाई करे और नंबर 4 में आए। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 चीन में 4 टीम लगता है अभी तक कि फाइनल सेमीफाइनल होगा,
और हम बांग्लादेश के जितने सकीब हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, आउटस्टैंडिंग। अभी बांग्लादेश के और तीन मैच बाकी है, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम लोग मान लेते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांग्लादेश अगर हरा भी देता है और 2007 का अगर रिपीट हो जाए, इंडिया भी हार जाता है, तो बांग्लादेश के पास एक बड़ा चांस रहेगा और उलट फेर करने का और सेमीफाइनल में जाने। जी देखिए, इसके पहले भी बांग्लादेश उलट फेर बहुत बार किया है और इस बार भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टफ है, ऑब्वियसली टफ है उनके लिए क्वालिफाइंग में आना। लेकिन क्रिकेट में हम सबको पता है कि क्रिकेट और जिंदगी में कब क्या हो किसी को नहीं पता। इंग्लैंड को कैसे देखें? लास्ट मैच में मलिंगा ने जैसे परफॉर्मेंस किया, एक 40 साल उनका उम्र है, उनका फिटनेस के लेके काफ़ी सवाल उठा था, सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड जैसे टीम को हरा दिया और इंग्लैंड का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इस मैच को हारने में। नहीं, हमको नहीं लगता, हमको लगता है इंग्लैंड क्वालिफाई करते हुए हमको दिख रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एक मैच हार ही सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमको लगता है कि वो लोग इस बार वर्ल्ड कप के दावेदार हैं। साथ इतने देर तक बात कर रहे थे लक्ष्मी रतन शुक्ला जी, और लक्ष्मी भैया का यही मानना है क्रिकेट में उलटफेर हो सकता है, लेकिन इस अफगानिस्तान टीम के ऊपर इंडिया टीम भारी पड़ेगी और इंडिया टीम इस मैच में जीतेगी। वर्ल्ड कप की बातें लक्ष्मी रतन शुक्ला के साथ जारी रहेगी अगले भी कुछ एपिसोड्स में। हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।